जानने जैसी, मानने जैसी और करने जैसी, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने वाली छोटी छोटी बातें, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने वाली छोटी छोटी बातें सेशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने चर्चा की मान्यताओं के और धारणाओं के स्रोतों की। कौन कौन से स्रोत हमने डिस्कस किए? पहला स्रोत वंश, दूसरा स्रोत लालन पालन, तीसरा स्रोत माहौल, चौथा स्रोत अनुभव और पांचवा स्रोत हमारी अपनी सोच। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मान्यताओं का एक सबसे अहम सोर्स, अनुभव, एक्सपीरियंस। आगे बढ़ने के पहले मैं एक कहानी सुनाता हूं, इंटरेस्टिंग है, जोक है, आपको सुनना अच्छा लगेगा। उसके बाद उसका अर्थ हम निकालेंगे, उसको रिलेट करेंगे एक्सपीरियंस के साथ और मान्यता के साथ। कहानी कुछ इस तरह से है। एक डॉक्टर साहब थे, अनुभवी। एक बार उनका एक भाषण अरेंज किया गया और सुनने वाले कौन थे? सारे शराबी पीने वाले लोग, 200 के करीब। और विषय क्या था? शराब पीने से होने वाले नुकसान, शराब पीने से होने वाले हमारे पर असर। डॉक्टर साहब बड़े अच्छे वक्ता थे, धुआंधार भाषण किया, एक घंटे चला। 200 लोगों ने, सारे लोगों ने बड़े ध्यान से डॉक्टर साहब के भाषण को सुना। एक घंटे के बाद डॉक्टर साहब का भाषण समाप्त हुआ और डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम सबको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता था, लेकिन एक छोटा सा प्रयोग करता हूं और आप सबको बताता हूं कि शराब पीने से होता क्या है। डॉक्टर साहब ने दो बड़े कांच के ग्लास मंगाए, बिल्कुल साफ, दोनों को टेबल पर रखा अलग अलग साइड में। एक में डॉक्टर साहब ने शुद्ध जल डाला और दूसरे ग्लास में डॉक्टर साहब ने शुद्ध शराब डाली। बताया, देखो इस ग्लास में शुद्ध जल है, इस ग्लास में कॉन्सेंट्रेटेड शराब है। फिर उन्होंने दो कीड़े लिए, बड़े बड़े, एक को इस ग्लास में डाला, एक को दूसरे ग्लास में डाला और ग्लास को ऊपर उठाया और बोले, देखो ये कीड़ा शुद्ध जल में है और ये कीड़ा शुद्ध शराब में है, तुम देखो कि क्या इन कीड़ों के साथ होता है। अब जो कीड़ा शुद्ध जल में पड़ा था उसको तो जीवन की मजा आ गई, जिंदगी में उसने शुद्ध जल कभी देखा ही नहीं, ऊपर गया, नीचे गया, आजू गया, बाजू गया, ग्लास के चारों ओर पानी में घूमने लगा खुश। जिस तरह से कीड़ा घूम रहा था पानी में, सबको समझ में आ रहा था कि कीड़ा बहुत खुश है। डॉक्टर साहब ने इस ग्लास को और जरा ऊपर किया, शराब वाले ग्लास को, उस कीड़े का क्या हुआ? कीड़ा तड़पा, उसकी तड़पन दिखाई पड़ रही थी, उसकी छटपटाहट दिखाई पड़ रही थी, तड़पा 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 मर गया और उसकी लाश ग्लास के नीचे बैठ गई। डॉक्टर साहब ने फिर ग्लास को ऊपर उठाया और कहा, देखो ये कीड़ा पानी में बड़े मजे ले रहा है और ये कीड़ा मर गया, तड़प तड़प के मौत भी बहुत खराब हुई। अब तुम लोग मुझे बताओ कि शराब पीने से क्या होता है। सारे लोग चुप हो गए। पीछे से एक शराबी उठा, जरा पी भी थी, झूम रहा था, बोला, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मैं बताता हूं शराब पीने से होता क्या है। डॉक्टर साहब खुश हो गए, सोचा इतना पीछे बैठा हुआ आदमी भी मेरी बात समझ रहा है, बोले, बताओ शराब पीने से क्या होता है। शराबी ने कहा, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। अनुभव से मान्यता का बनना बड़ा अच्छा उदाहरण है। अनुभव हुआ,
एक घंटे बात सुनी, एक प्रयोग भी देखा और सीखा क्या, मान्यता क्या बनी, शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं, शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं, कहानी आपने सुनी। अनुभव, मैं तीन प्रश्न पूछता हूं। जब आप कहते हैं कि अनुभव से हमने बहुत कुछ सीखा है, अनुभव से जो मान्यताएं हमने बनाई हैं झूठ हो नहीं सकती, मेरे तीन प्रश्न का जवाब देंगे आप तो मुझे खुशी होगी। पहला प्रश्न, क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि अनुभव से जो भी आपने सीखा है पूरा सीखा है, संपूर्ण सीखा है, आप गारंटी देंगे मुझे? या आप मुझे गारंटी देंगे कि अनुभव ने आपको पूरा सिखाया है या आपने पूरा सीखा है? सोच में पड़ गए आप? दूसरा प्रश्न, क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि अनुभव से आपने सब कुछ सच ही सीखा है या अनुभव ने आपको सच सिखाया है? आप और ज्यादा सोच में पड़ गए। तीसरा प्रश्न, क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि अनुभव ने आपको समय पर सिखाया है? मुश्किल है। या अनुभव से आपने समय पर सीखा है? मैं रिपीट करता हूं तीनों प्रश्न। क्या अनुभव से आपने पूरा सीखा है? क्या अनुभव से आपने सच्चाई सीखी है, सच सीखा है? और क्या आपने अनुभव से समय पर सीखा है? दूसरे शब्दों में, क्या अनुभव ने आपको पूरा सिखाया है? क्या अनुभव ने आपको सच सिखाया है? और क्या अनुभव ने आपको समय सर सिखाया है? तीनों प्रश्न आपने सुने, तीनों प्रश्नों को ध्यान से सुनने की और तीनों प्रश्नों पर ध्यान से विचार करने की जरूरत है। ध्यान से सोच करके आप उत्तर देंगे तो उत्तर होगा नहीं। अनुभव से हम पूरा नहीं सीखते, अनुभव से हम सच्चाई नहीं सीखते और अनुभव से हम समय पर नहीं सीखते। हमेशा ये संभव नहीं है, कभी कभार हो भी सकता है। क्या कारण है इसका? इसका कारण है, अनुभव को हम अपनी सोच का सहारा नहीं देते। जो भी अनुभव हमने लिया उसका विश्लेषण करने की जरूरत है हमारी सोच से और सकारात्मक सोच से, फिर मान्यता बनेगी सही। दूसरा एक उदाहरण देता हूं। मैं रोज सुबह एक रोड से ट्रेवल करता हूं, ड्राइव करता हूं, ऑफिस जाने को या कहीं और जाने को रोज जाता हूं। सुबह रोड बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, मैं 100 की स्पीड से बेझिझक ड्राइव कर सकता हूं। शाम को जब लौटता हूं तो वही बात होती है, रोड बिल्कुल ए क्लास, मैं 100 की स्पीड से वापस आता हूं। और यह कार्यक्रम मेरा पिछले 2 साल से चल रहा है। एक दिन मैं सुबह निकलता हूं, मेरी मान्यता बन गई रोड के बारे में, रोड ए क्लास है, 100 की स्पीड, नो इश्यू एट ऑल। उस सुबह में मैं 100 की स्पीड से गाड़ी चलाता हूं और हो जाता है मेरा एक्सीडेंट। क्यों? रात को बरसात हुई, रात को कुछ और हुआ, रात को रिपेयर का काम चालू हुआ, कहीं किसी ने खोदा कुछ किया और रोड पे काफी जगह पर गड्ढे पड़ गए, करीब करीब आधे किलोमीटर की डिस्टेंस में। ये हो सकता है। अनुभव 2 साल पहले का, मान्यता बनी 2 साल पहले, उस मान्यता का उपयोग कर रहे हैं आज 2 साल के बाद। सिचुएशन वही रहेगा, जरूरी नहीं है। मेरी मान्यता बनी 2 साल तक, 12 घंटे पहले, 12 घंटे में रोड बदल सकता है। हमने पहले भी डिस्कस किया, मान्यता को सही होना और मान्यता को समयोचित होना बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी आप अनुभव की बात करें तो एक प्रश्न जरूर पूछें, मेरा
पिछला अनुभव आज की हालातों में वैलिड है क्या? मेरा पुराना अनुभव आज की परिस्थितियों में वैलिड है क्या? प्रामाणिक है क्या? उचित है क्या? समाप्त करते हैं आज की चर्चा यहां। अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे उग्र और इच्छनीय मान्यताओं की। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।